बॉलीवुड के देसी गर्ल से लेकर ग्लोबल स्टार बनने तक प्रियंका चोपड़ा ने एक लंबा सफर तय किया है। साल 2000 में प्रियंका चोपड़ा ने पूरे देश को गर्व महसूस करने का एक मौका दिया था जब वो मिस वर्ल्ड बनी थी, लेकिन करीब 22 साल बाद उनकी उस जीत पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। ये आरोप उस कॉम्पिटिशन में उनके साथ पार्टिसिपेट कर रही लेलानी मैकाने नाम की एक महिला ने लगाए हैं। दरअसल प्रियंका चोपड़ा के साथ मिस वर्ल्ड 2000 की रेस में रही लेलानी मैकाने अब एक यूट्यूबर हैं। उन्होंने करीब 22 साल बाद एक वीडियो के जरिए सनसनीखेज खुलासे किए हैं। वीडियो में उन्होंने ये भी साफ किया है कि उन्होंने ये आरोप इतने साल बाद क्यों लगाए। सबसे पहले उन्होंने इसी बात पर सफाई देते हुए बताया कि मैं वीडियो इतने साल बाद इसीलिए बना रही हूं क्योंकि हाल ही में मिस यूएसए ब्यूटी पेजेंट में एक कंटेस्टेंट की जीत को लेकर कई विवाद हुए हैं। विवादों के बीच ब्यूटी कंपटीशन के फिक्स होने की भी चर्चा होने लगी और इसी वजह से लेलानी ने इतने सालों बाद मिस वर्ल्ड 2000 में हुए भेदभाव की बात को लोगों के साथ शेयर किया। लेलानी ने प्रियंका पर आरोप लगाते हुए कहा कि कंपटीशन में कोई भी प्रियंका चोपड़ा को पसंद नहीं करता था। प्रियंका को लेकर ऑर्गेनाइजर हमेशा बाकी लड़कियों के साथ भेदभाव करते थे। सारी लड़कियों के लिए एक जगह खाना आता था जबकि प्रियंका को बेड पर नाश्ता सर्व किया जाता था। जीत से पहले ही प्रियंका का बीच पर फोटोशूट हो रहा था जबकि बाकी लड़कियों को रेत के किनारे खड़ा किया गया था। साथ ही लेलानी मैकाने ने कहा कि प्रोग्राम का स्पॉन्सर एक इंडियन चैनल था। हमारे टीवी चैनल्स पर भी हमारे देश से पहले उस केबल स्टेशन का नाम लिखा हुआ था। लेलानी ने आगे कहा कि प्रियंका इकलौती ऐसी कंटेस्टेंट थी जिन्होंने सारोंग यानी एक स्कार्फ जैसी चीज को कमर पर बांधने की इजाजत मिली थी। सारोंग पहनने की वजह बताते हुए लेलानी ने कहा कि वो स्किन टोन सही करने के लिए कोई क्रीम लगा रही थी लेकिन उस क्रीम का कोई असर नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने स्विम सूट राउंड में सारोंग पहना। इतना ही नहीं, लेलानी ने कहा जिस डिजाइनर ने लड़कियों की ड्रेस बनाई थी उसने प्रियंका की सबसे फिट ड्रेस बनाई थी और बाकी सबकी ड्रेस की फिटिंग खराब थी। बहरहाल इन आरोपों के बाद लेलानी का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, कई लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं और प्रियंका का साथ देते दिख रहे हैं। मामले में अब तक प्रियंका का कोई पक्ष सामने नहीं आया है। बता दें कि प्रियंका इस वक्त मुंबई में है, वो करीब 3 साल के बाद भारत लौटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।